नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। शादी को लेकर हर धर्म और हर जगह अलग अलग नियम होते हैं। कहीं दूल्हा घोड़े पर चढ़कर आता है तो कहीं दुल्हन को पाटे पर लेके आया जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां शादी की एक रस्म बहुत ही अनूठी है। यहां दूल्हा दुल्हन के टॉयलेट जाने पर पाबंदी है। ये रस्म इंडोनेशिया में है जहां पर ये अदा की जाती है। इस रस्म का चलन टीडोंग समुदाय में है। इस बिरादरी के लोग इस नियम को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, इसीलिए वो इसे पूरी संजीदगी के साथ निभाते हैं। 3 दिनों तक रोक रिवाज के दूल्हा दुल्हन शादी के बाद 3 दिन तक टॉयलेट नहीं जा सकते। ऐसा करना अब शगुन समझा जाता है। स्थानीय समुदाय के अनुसार शादी एक पवित्र समारोह है। टॉयलेट जाने से उनकी पवित्रता भंग होती है। इससे 9 वर वधु अशुद्ध हो जाते हैं। बता दें, इस रिवाज को अदा करने का मुख्य कारण दंपत्ति को नजर से बचाना है। समुदाय के अनुसार वॉशरूम को कई लोग इस्तेमाल करते हैं। वो शरीर की गंदगी बाहर निकालते हैं। इसके चलते वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। शादी के तुरंत बाद टॉयलेट जाने से यही नकारात्मकता दूल्हा दुल्हन में आने की आशंका रहती है। शादी टूटने का खतरा टीडोंग समुदाय के अनुसार शादी के तुरंत बाद शौचालय का इस्तेमाल करने से होता है। वहाँ मौजूद बुराइयाँ उनमें आ सकती हैं, जिससे उनके रिश्तों में तल्खी आ सकती है। कई बार तो संबंध टूटने तक की नौबत आ जाती है। बता दें, नववर वधु को टॉयलेट ना जाना पड़े, इसलिए उनके खाने पीने में कटौती की जाती है। समुदाय के लोग इस रस्म का कड़ाई से पालन करते हैं और साथ ही ध्यान रखते हैं कि इससे दूल्हा और दुल्हन को किसी तरह की कोई तकलीफ भी ना हो।